हेलो दोस्तों, अनएग्री मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कुलदीप कुमार। आइए, आप सभी को सेकंड पार्ट में ले आया हूं आईजीकेवी सीएटी 2022 एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर सॉल्व आंसर क्वेश्चन। जी, ये आपको 26 लेकर 100 तक 75 क्वेश्चन मैं अभी लेके आया हूं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो 26वां क्वेश्चन था, रामसेन गोलसे आर इम्पोर्टेंट वेराइटीज ऑफ विच क्रॉप। तो इसमें सी ऑप्शन लार्ज कार्डियम का ये वेराइटी है। डिम्पल इज द न्यू रूस स्टॉक ऑफ गुआवा, 27वां का सी सही आंसर है। एसिड कंटेन इन जेली शुड बी एस, एसिड कंटेन एसिड कितना रहता है, 28वां क्वेश्चन, जेली में तो 0.5 से 0.75% रहता है। 29वां क्वेश्चन, इन पपाया पपेन कंटेन खालिस्तान प्रोटीन, ठीक है, पपाइन में कितना परसेंट प्रोटीन पाया जाता है, तो 72.2%, बी ऑप्शन सही है। तीसवा क्वेश्चन, फ्रूट साइज इन मैंगो इज गवर्नड बाई, ठीक है, फ्रूट साइज मैंगो में किसके द्वारा गवर्न होता है, तो पॉलीजिन के द्वारा गवर्न किया जाता है, ठीक है, कंट्रोल किया जाता है। पिंक बेरी इज प्रॉब्लम ऑफ, यहाँ पे बी ऑप्शन ग्रेप, पिंक बेरी इज अ प्रॉब्लम ऑफ ग्रेप्स, ठीक है। अफ्रीकन मेरीगोल्ड इज द मेजर सोर्स ऑफ विच कंपोनेंट, ऑप्शन डी कैरोटीनॉइड एंड ल्यूटीन। 33वां क्वेश्चन, सेड लविंग प्लांट इज, इन चारों में सेड लविंग कौन सा है, तो सी ऑप्शन सही है। ऑप्शन क्वेश्चन 34, ड्रूपिंग इज द प्रॉब्लम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, जरबेरी का प्रॉब्लम है ड्रूपिंग। 35वां क्वेश्चन, डायंथस चाइनेंसिस इज अ, इसमें ए और डी दोनों का आंसर माना है आईजीकेवी ने। 36वां क्वेश्चन का देख लीजिए, गार्डन लेंटेंस गार्डन पेगोडा गार्डन बीड्स टी गार्डन एंड फ्लेट गार्डन आर द यूनिक फीचर ऑफ विच ऑफ द विच टाइप ऑफ गार्डन, विच टाइप गार्डन के ये सब फीचर किस में आते हैं बोल रहे, तो जापानीज गार्डन के सब चीज़ फीचर हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, वंडर ट्री इज अ, वंडर ट्री किसको कहते हैं, तो वंडर ट्री आश्चर्यजनक ट्री हम लोग नीम को कहते हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे यूसेस हैं, दवाइयाँ बनती हैं नीम की पत्ती से, और जो डायबिटीज़ के मरीज़ रहते हैं सब, और नीम कोटेड यूरिया सभी में यूज़ होता है, इसीलिए बहुत सारे यूज़ हैं इसके। 38 क्वेश्चन, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ऑर्चिड कहाँ है, तो गंगटोक में है। 39 क्वेश्चन, बेरी बेरी इज कासेस टू टू डेफिशिएंसी ऑफ, देखिए विटामिन बी की कमी से होता है, पढ़े थे, लेकिन थायमिन से होता है, विटामिन B1 से, ठीक है। यहाँ पे राइबोफ्लेविन दे रखा है, बीटा कैरोटीन दिया है, स्कर्बिक एसिड दे, स्कर्बिक एसिड मतलब विटामिन सी होता है, ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन बी सही होगा। 40वां क्वेश्चन, पीपर नाइग्राम इज द बोटनिकल नेम ऑफ, ब्लैक पीपर, ब्लैक पीपर का ये बोटनिकल नेम है, काले मिर्च का, ठीक है, किंग ऑफ स्पाइस भी इसे कहते हैं ब्लैक पीपर को। 41वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टली इंक्रीज द जीएनपी ऑफ द कंट्री, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इसका फुल फॉर्म है, इसमें ऑप्शन ए सही होगा, अन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। 42वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिक्स कैपिटल, फिक्स कैपिटल किसे कहते हैं, सीड कोल या फूड या मिशनरी को कहते हैं, ठीक है। 43 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP, GDP में कौन सा इंक्लूड कैलकुलेशन के समय नहीं करते कह रहे हैं, तो ओल्ड एज पेंशन इसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते। और 44वां क्वेश्चन, रूरल क्रेडिट एंड डेवलपमेंट डिवीजन इज द स्पेशलिक ब्रांच ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक। 45वां क्वेश्चन, लार्ज साइज आदिवासी मल्टीपर्पज सोसाइटी कम इन 1971 में आया था, द हेड क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO इज अ, कहाँ है, तो हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में है। 47वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ मार्केटिंग फंक्शन, मार्केटिंग फंक्शन कौन सा नहीं है, तो स्पेटियल इंटीग्रेशन ऑप्शन डी,
ये 48वां स्टार क्वेश्चन है भाई। द मैन ऑफ द फंक्शन ऑफ एफ सी आई द रिटर्न टू स्केल इज अ खाली डैश प्रोडक्शन फंक्शन लॉन्ग लॉन्ग रन। ठीक है 50वां क्वेश्चन इन केस ऑफ द परफेक्ट कम्प्लीमेंट्स इज आइसोक्वेंट इज इन्वर्टेड एल शेप्ड। 91वां क्वेश्चन फ्लैग मेथोड इज क्लासिफाइड अंडर स्पोकन मेथोड। 52 क्वेश्चन द बुक गाइड एंड अल्टरनेटिव एक्सटेंशन अप्रोच इज रिटन बाय ऑप्शन ए ऑक्सिन जी एच। द 53 क्वेश्चन द लिविंग मेमोरी ऑफ फार्मर्स वॉज कंसिडर एज अ कंट्रोल इन ऑप्शन डी। द डी आर डी ए वॉज इस्टेब्लिश इन 1980। 55 क्वेश्चन अनएसोसिएटेड इन कैटेगराइज बाई ऑप्शन सी फोल्क वे दैट डील विथ मोरल एक्सेप्ट आर मोर्स। 57 क्वेश्चन द फर्स्ट एक्सटेंशन एजुकेशन इंस्टीट्यूट इन इंडिया इज एस्टेब्लिश इन नीलोखेरी। 58 क्वेश्चन अशोक मेहता कमेटी रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मंडल पंचायत। 59 क्वेश्चन सीसम नैप कंडक्टेड रिजल्ट डोमेस्टिकेशन इज कॉटन। 60वां का बी होगा 61 का डी 62 का सी 63 का सी 64 का ए 65 का बी 66 का सी 67 का बी 68 का बी। देखिए दोस्तों 69 का विच पेस्ट इज रेजिस्टेंट व्हेन सिलिया इज अप्लाइड टू राइस क्रॉप सर्कोस्पोरा इंसर्टुलेंस येलो स्टेम बोरर स्टेम बोरर का ये वो है राइस स्टेम बोरर का साइंटिफिक नेम है डी ऑप्शन सही है। 70वां क्वेश्चन द इम्पेटी स्पेस बिटवीन स्वाल प्लेट एंड बॉडी ऑफ नोजल इज कॉल्ड ईडी चैम्बर। ठीक है 71वां का सी देखिए यहाँ से एंटोमोलॉजी क्वेश्चन आपको दिखने के मिल रहा है एंटोमोलॉजी क्वेश्चन है लगातार। 72वां का ए होगा 73वां का बी 74वां का डी 75वां का हेलिकॉर्पा जी देखिए 75वां के होगा 76 स्टार क्वेश्चन है डायमंड बैक मॉथ बिलोंग टू विच फैमिली बी ऑप्शन सही होगा देख लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 78वां का देखिए ये होगा सीक्वेंस डी 79 का आपका बी पल्स बीटल 80 का आपका डी 81 का 12 बी अल्बिडो परसेंट ऑफ राइस क्रॉप इज 12 हैवर फेलिंग चैम्बर नंबर इज यूज्ड टू वीट टू नाउ ब्रेड मेकिंग क्वालिटी 83 का बी 84 का बी 85 का डी 86 का सी हु हैज़ गिवन द कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रिएंट इंसेंसिटिविटी एंड न्यूट्रिएंट क्वांटिटी इसको फील्ड ने दिया था। 87 का डी होगा ट्रांजिशन क्रॉप हैविंग लार्जेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड सोयाबीन का लार्जेस्ट एरिया है ट्रांजिशन क्रॉप में योगदान है। 88 का सी होगा चेविंग टबैको विच ऑफ द फॉलोइंग का टबैको इज कवर्ड विथ स्मोक एंड फायर की चेविंग टबैको। ठीक है अकोची डिसीज पैडी किससे होता है ये देख लीजिए और आपका 90 का डी होगा 91 का बी डी होगा 92 का डी 93 का डी
94 का ए द टॉक्सिन इन बीटी कॉटन ड्यू टू क्राई वन ए सी, ठीक है। कन्वोलस अरवेंसिस हिरन खुर्री इज द प्रोपोगेटेड थ्रू 95 क्वेश्चन ऑप्शन ए रूट सही है। 96 क्वेश्चन अ वीट प्लांट यूज द पोल्यूशन इंडिकेटर इज, पोल्यूशन इंडिकेटर वीट प्लांट कौन सा है तो ऑप्शन डी देख लीजिए कोर्ना क्रेसिपस। 97 का सी 98 का बी। दोस्तों बस इतने ही क्वेश्चन, इसका एक पार्ट और आएगा जिसमें मैं 100 क्वेश्चन रखूंगा, फिर ये अपना CET IGKV का कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन पेपर। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें सभी तरह के एग्रीकल्चर से रिलेटेड नोटिफिकेशन पाने के लिए। आपका दोस्त कुलदीप, धन्यवाद।